हेलो दोस्तों, मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू एंड एंजॉय द वीडियो। गाइस, दिस इज मी ममता सचदेवा वंस अगेन विद ऑल ऑफ यू। और आज मैं आई हूँ जोहान्सबर्ग में। आपको मेरा चेहरा थोड़ा सा बड़ा दिखने वाला है क्योंकि मैंने कोई भी स्टिक या किसी तरह का कोई भी टूल यूज नहीं किया है। मेरा जो कैमरा है वो मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है, बिल्कुल मेरे पास में। उसका एक रीज़न है कि जोहान्सबर्ग अफ्रीका बहुत ज़्यादा अनसेफ है। जो मेरे सारे कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जानने वाले हैं, सबने मुझे इतना वार्न करा था कि प्लीज़ अगर कहीं पे भी अपना फ़ोन यूज़ करोगे तो बहुत केयरफुल रहना। कहीं पे भी यहाँ पे किसी की पॉकेट कट जाती है, किसी का फ़ोन चोरी हो जाता है। कभी कभी नहीं, मोस्टली 85-90% जितने लोग यहाँ रहते हैं एक ना एक बार वो इन सब चीज़ों को इनकाउंटर कर चुके हैं यहाँ पे। चाहे उनका फ़ोन छिन चुका है, चाहे उनके घर में रॉबरी हो चुकी है, चाहे उनके जेब से पैसे काटे गए हैं या कुछ भी है। और बहुत ही अनसेफ प्लेस है। तो मैं एक्चुअली होटल में थी और अभी आई हूँ कुछ टाइम पहले। तो मैंने आके डिसाइड किया कि एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा तो आपको दिखाऊंगी जहाँ आई हूँ उसके बारे में भी कुछ बताऊंगी, ताकि आप लोग भी कभी यहाँ ट्रैवल करें तो आपको पता रहे। तो मैंने क्या करा, होटल रूम में फटाफट से चेंज किया। चेंज करके मेरी एक कलीग ने मुझे बताया कि आप ऐसे करो, होटल के साथ में एक मॉल अटैच्ड है, आप वहाँ चले जाओ, वहाँ आपको खाना भी मिल जाएगा। लेकिन इस मॉल से, उसने कहा था, एक और आगे मॉल अटैच्ड है जिसके पास पहुँचने के लिए आपको एक रास्ते में से निकलना पड़ेगा जहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है, वहाँ अंधेरा है और वहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। तो मैं हंसने लगी, मैंने उसको बोला कि अगर इतना अनसेफ है तो मैं नहीं जाती हूँ। बोली नहीं, इतना अनसेफ नहीं है, अगर आप केयरफुली जाओगे बस मेक श्योर करना कि तुम्हारे हाथ में फ़ोन ना हो, तुमने कोई ज्वेलरी ना पहनी हो, तुमने इयररिंग्स ना पहने हो, कोई घड़ी ना पहनी हो, गले में कोई चेन ना पहनी हो, और अपने पैसे जो है वो बेस्ट पॉसिबल कहीं ना कहीं छुपा के जाना, मतलब एविडेंट मत करना, और पर्स कैरी मत करना अपने गले में बिल्कुल भी। तो अगर इस तरह से तुम वॉक करके इस मॉल से उस मॉल की तरफ जाओगी जहाँ पे सुपर मार्केट है तो सेफ है। तो मैंने गट्स दिखाए, थोड़े से अपने कमरे से निकली, इस तरह के कपड़ों में मैं हूँ, मैंने ये बहुत मोटा सा एक कोट डाला हुआ है क्योंकि ठंड भी है बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद मैंने क्या करा, अपने पैसे मैंने कहीं पे छुपा लिए और फ़ोन सिर्फ मुझे लाना था क्योंकि मुझे आपके सबके लिए वीडियो बनानी थी, लेकिन मैं डर रही थी कि मेरा फ़ोन कोई लेके ना भाग जाए। फिर भी हिम्मत करके ऑल द वे मैं उस रास्ते से, जो मेरे पीछे नज़र आ रहा है आपको मैं दिखाती हूँ, इस रास्ते से आगे चल के 20 मिनट की मैंने भागम भाग में वॉक की और मैं उस डेस्टिनेशन पे पहुंची जहाँ पे मुझे जाना था। और जाके मुझे क्या मिलता है, वो सारी मॉल जो है, सारे स्टोर्स, सुपरमार्केट्स, शॉपिंग, जितना भी स्ट्रीट है जो भी था उसमें, सब कुछ बंद हो चुका है। मेरे ख्याल से सुपरमार्केट्स 5-5:30 बजे बंद हो जाती है, दैट्स व्हाट द सिक्योरिटी सेड टू मी। और उसके अलावा भी जो वहाँ पे और भी स्टोर्स थे वो सारे बंद थे। और अभी यहाँ पे मेरे ख्याल से 7 बजे हैं, शायद नॉट इवन 8 और 9, तो 7 बजे ही सब कुछ बंद हो गया। मेरी सारी एफर्ट, और मैं हाँफ रही थी लिटरली, और उस टाइम पे मैं फ़ोन निकाल के वीडियो बनाना चाहती थी क्योंकि मुझे था इसको थोड़ा रियलिस्टिक बनाती हूँ। लेकिन ऑनेस्टली रियलिस्टिक बनाने के चक्कर में मुझे ये था कि जो वीडियो ऑलरेडी मेरे फ़ोन्स में है या कोई ऐसा डाटा है वो कहीं भी, वो भी ना छिन जाए। तो इस चक्कर में मैंने अभी एक सेफ एरिया ढूंढा, ये एक फूड कोर्ट है एक मॉल का, ये मॉल जो है वो मेरे होटल के साथ अटैच्ड मॉल है। तो इसमें मैं बैठी हुई थी, तो ये आसपास फैमिलीज वगैरह क्राउड बैठा हुआ है, थोड़ा ठीक लग रहा है। ऐसा नहीं है कि दुनिया बाहर नहीं निकल रही, लेकिन ये बहुत अनसेफ सा एरिया है। मैं एक ना आपको बात करने से पहले एक मॉल का शॉट देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि कुछ एक लोग यहाँ पे एमलेस बैठे हुए हैं, बिल्कुल उनका कोई एम नहीं है। व्हाई दे आर सिटिंग हियर, व्हाट दे आर ऑब्जर्विंग, आई हैव नो आइडिया, बट क्राइम यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा है। लेट मी क्विकली शो यू गाइज व्हाट इज अराउंड मी। ये है वो फूड कोर्ट एरिया जहाँ पे मैं बैठी हूँ, मुझे लगा कि फैमिली क्राउड है, लेकिन इस तरफ देखिए आपको सिर्फ सारे सिंगल सिंगल ये लड़के नज़र आ रहे हैं जिन्होंने जैकेट्स वगैरह डाली हुई हैं। व्हाई दे आर सिटिंग हियर, व्हाई दे आर वॉकिंग अराउंड, आई हैव नो आइडिया, क्योंकि वो यहाँ पे ना तो कुछ ऑर्डर कर रहे हैं ना कुछ खा रहे हैं, लेकिन सिर्फ बैठे हुए हैं, देखिए आप। तो आई थिंक, मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, बट जो मुझे बताया गया है कि बहुत ज़्यादा सेफ्टी यहाँ पे रखनी पड़ती है। तो क्योंकि ये मॉल थोड़ी सी मॉनिटर्ड है, फिर भी मैंने हिम्मत करी अपना कैमरा निकाल के थोड़ी सी वीडियो आपको दिखाने के लिए, ताकि मैं आपको जोहान्सबर्ग जो है अपनी नज़रों से दिखा पाऊँ जो मैं देख पा रही हूँ। तो ये है मेरे आसपास फिलहाल, आपको लेफ्ट साइड भी दिखाती हूँ। ये लेफ्ट साइड है, प्रॉपर रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं यहाँ पे, लोग बैठ के फैमिली के साथ डाइनिंग कर रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाती हूँ इस तरफ। और मैं आपको थोड़ा सा आगे भी लेके जाती हूँ जहाँ से मैं भाग के अभी वापस आई हूँ।
से मैं चल के आई थी और मुझे किसी ने बोला था कि ये सामने जो एक स्ट्रीट है, यहाँ पे आप सामने देखिए दो लड़के चल के आ रहे हैं, बिल्कुल आगे आपको अंधेरा नजर आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। वो आगे जहाँ पे वो लोग चल के जा रहे हैं वहाँ बहुत अंधेरा है, उस एरिया से मैं भाग के निकल के आई हूँ। ये यहाँ पे सो कॉल्ड सिक्योरिटी है यहाँ की, और ये लड़के वगैरह यहाँ पे ऐसे ही घूम रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग हियर। डेंजर जोन को अगर भूल जाऊं, वैसे यहाँ के मॉल्स बहुत साफ सुथरे, बहुत प्यारे बने हुए हैं, खाने के लिए हलाल फूड भी है यहाँ पे सामने मेरे, और मेरे ख्याल से इंडियंस भी यहाँ पे बहुत रहते हैं तो इंडियन खाना भी यहाँ पे बहुत मिलता है। उसके अलावा भी ये देखिए बच्चों के लिए भी आइसक्रीम पार्लर, कैंडी पार्लर्स वगैरह यहाँ पे हैं, मतलब एक प्रॉपर अगर मैं कहूँ बहुत ही प्यारा सा मॉल बना हुआ है। और भी आपको मैं साइड बाय साइड दिखाने की कोशिश करती हूँ। दिस इज प्रॉपर लाइक अ कैंडी शॉप, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। या बट बेसिकली यहाँ पे किसी भी स्ट्रीट पे निकलना, कोई भी टैक्सी बाहर जाके लेना बिल्कुल सेफ नहीं है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मुझे बार बार कहा गया कि ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा, लेकिन मॉल के अंदर यहाँ कैमरे वगैरह हैं तो मेरे ख्याल से फिर भी थोड़ा सेफ है। वैसे देखा जाए तो इतने प्यारे प्यारे स्टोर रेस्टोरेंट्स हैं, सब लोग निकले हुए हैं यहाँ पे खाना वाना खाने के लिए, पर सेफ्टी वाइज एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है यहाँ पे। आई होप कि ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो आप तक पहुँच जाए। और ये है वो फूड कोर्ट जहाँ मैं पहुँची थी, और ये है वो एरिया जहाँ से चल के मुझे वापस अपने होटल की तरफ जाना है। सो कॉल्ड सिक्योरिटी साहिब ने मुझे बोला कि यहाँ पे वीडियो मत बनाओ। और ये है वो जो हॉलवे आपको मैंने वॉक का दिखाया था, तो आगे जाके मेरे होटल का लिफ्ट है, तो वहाँ तक चलिए साथ में चलते हैं। कभी कभी थोड़ा रिस्क भी लाइफ में लेना चाहिए। इट्स सेफ ओवर हियर बिकॉज मैं देख पा रही हूँ कैमरे हैं आसपास। ये बच्चों के लिए राइड्स बनी हुई हैं कुछ एक, लेकिन एक दो आदमी मेरे आसपास घूम रहे हैं, सो लेट्स जस्ट बी लिटिल कॉशियस, केयरफुल, थोड़ा सा अलर्ट, क्योंकि हमें किसी के साथ कोई पंगा नहीं लेना है और हमें किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सेफ्टी फर्स्ट है। लेकिन कोई भी नहीं है मेरे आसपास, बिल्कुल भी कोई भी नहीं है। देखिए नो बडी इज़ हियर, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ही हटके सा है। और इसके काफ़ी ज़्यादा रास्ते निकलते हैं नीचे जाने के लिए, और जो अलग अलग सड़कों पर इस मॉल को जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर भी बिल्कुल कोई भी एक आदमी भी नज़र नहीं आ रहा, कोई भी नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे। देखिए बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, बिल्कुल सुनसान, और अभी यहाँ पे 7:30 बजे हैं, तो मुझे अभी जाना था, मेरा होटल किस तरफ था मैं भूल गई हूँ। मैंने कहीं से निकल के लेफ्ट लिया था, तो लेट मी जस्ट गो टू माई होटल। I completely forgot where I come from. this is my hotel. यहाँ से मैं निकल के आई थी, ये एक कॉरिडोर सा है और ये मॉल जो है यहाँ से मुझे सामने इस तरह से नज़र आया था। और मेरी जो क्लीग है जिसने मुझे बताया था, शी सेड स्ट्रिक्टली प्लीज़ डोंट गो आउट फ्रॉम एनीवेयर, क्योंकि अगर किसी और दरवाजे से तुम बाहर निकल गई तो यू विल बी स्टक, क्योंकि बाहर निकल के जो टैक्सीज हैं या जितने भी लोग तुम्हें मिलेंगे, दे कैन स्नैच योर फोन, दे कैन टेक अवे मनी, सो बी वेरी केयरफुल। या सो आई एम फॉलोइंग हर इंस्ट्रक्शंस। ये है वो कॉरिडोर जहाँ से मैं वापस जा रही हूँ, और इसको भी उन्होंने प्रॉपरली यू नो लॉक किया हुआ है बाहर से। सो अगर मुझे वापस जाना है तो आई हैव टू इंसर्ट माई रूम की जो मेरे पास है। आई होप नोबडी इज कमिंग बिहाइंड मी, सो लेट मी जस्ट क्विकली पुट द की। सी इस डोर के ऊपर लॉक लगा हुआ है, सो let's just put this key in the lock and let's go back. तो safely हम एक छोटा सा trip करके आ गए बाहर का। और मैं मजाक नहीं कर रही, आप लोग कह रहे होंगे कि मैं बढ़ा चढ़ा रही हूँ बातों को, लेकिन seriously मुझे बोला गया था कि बहुत cautious रहना पड़ता है। यहाँ हमारी मेरी एक लीक थी, होटल के बाहर खड़ी थी, और कुछ टाइम पहले उसका कुछ सामान लोग छीन के ले गए थे, तो सेफ्टी यहाँ पे एक्चुअली मैटर ऑफ कंसर्न है। हम कहते हैं हमारी कंट्रीज़ में सेफ्टी नहीं है, लेकिन ऑनेस्टली इस जगह की जो स्टोरीज़ मुझे बताई गई हैं उनको सुन के तो तौबा मेरे कसम से, मैं भी आज घबरा रही थी कि मैं मतलब कोई सेफ्टी के साथ पंगा नहीं लेना चाहती बिल्कुल भी। सो लेट्स गो बैक, मुझे जाना है। ओके, सो मैंने अपने
लॉबी का नंबर दबाया है, सो आई एम गोना गो बैक टू द लॉबी. बैक इन द लॉबी नाउ सेफली. तो चलो और कुछ नहीं, साथ साथ में चलते हैं, आपको थोड़ी सी लॉबी ही दिखा देती हूँ होटल की लॉबी कैसी है. इट्स वेरी ब्यूटीफुल. दिस इज द लिफ्ट आई केम फ्रॉम एंड लुक एट दिस रेस्टोरेंट. ये सारी जो दीवार है वो वाइन की बॉटल से सजाई गई है. लुक्स वेरी वेरी प्रिटी. ये किसी रेस्टोरेंट का हिस्सा है. इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. ये होटल लॉबी का बार एरिया है जहाँ पे ड्रिंक्स शाम के टाइम कोई भी यू नो पूरा दिन टी कॉफ़ी ड्रिंक्स वगैरह सर्व होते हैं. दिस लुक्स रियली रियली अमेजिंग. एम्बियंस पूरा माहौल यहाँ का बहुत ही प्यारा लग रहा है. बहुत ही कोजी एंड यू नो डाइनिंग एक्सपीरियंस. आराम से यहाँ बैठो एक कप कॉफ़ी लेकर. इट्स गोना बी ऑसम टाइम विद एनीवन. चलिए होटल लॉबी का चक्कर आपको लगवा दिया, थोड़ा बहुत आपको दिखा दिया. ये मेरे पीछे रिसेप्शन एरिया है जहाँ पे मैंने चेक इन करा था, और ये सारा पीछे जो एरिया है ये मैंने आपको दिखा दिया है जो भी ब्यूटीफुल था. अभी लिफ्ट लेके मैं जा रही हूँ अपने कमरे की तरफ. लेट्स प्रेस अप. यहाँ पे कमरे में जाने के लिए भी अपनी जो रूम की है उसको एक यहाँ पे सिस्टम होता है, उसमें इंसर्ट करना पड़ता है, तभी वो आपके फ्लोर के ऊपर जाके लिफ्ट रुकती है, नहीं तो नहीं. आई एम इनसाइड द लिफ्ट नाउ. तो लिफ्ट में भी अपनी जो की है मुझे इस सिस्टम में डालनी है. तो की डालने के बाद उसके बाद मेरा जो फ्लोर है उसकी लाइट मैं प्रेस कर सकती हूँ. दैट्स हाउ आई विल रीच टू माय फ्लोर. अगर की नहीं तो आप अपने कमरे में नहीं जा सकते. ओके सो 5, 6, 7 एंड 8. आई थिंक दिस इज द फ्लोर. मैंने ऐसे तुक्के से दबा दिया था क्योंकि भूल गई थी मैं. मेरा एक्चुअली फ्लोर भी बहुत अच्छा है. ये देखिए जाते ही जो एंट्रेंस पे पेंटिंग्स लगी हुई है बहुत ही प्यारी है. दिस वन चेयर इज हियर अगर किसी को बैठ के वेट करना है. सो माई रूम इज दैट साइड. सो दैट्स इट. दैट वॉज आर लिटिल ट्रिप. चलते चलते एक चीज़ नज़र आ गई, रूम सर्विस ख़त्म करने के बाद जो ट्रे है जैसे लोगों ने बाहर यहाँ रखी हुई है. तो इफ़ यू एनी टाइम स्टे इन अ 5-star, सो सेम थिंग टू बी फॉलोड. या अगर खाना ख़त्म कर लिया तो यू कैन लीव अ ट्रे आउटसाइड. तो चलिए ये था मेरा छोटा सा ट्रिप. लेट मी जस्ट गेट बैक टू माई रूम. क्रॉस चेक कर रही हूँ कि अपना ही कमरा खोल रही हूँ, किसी और का तो नहीं खोल रही हूँ. सो कमरे में अंधेरा है ऑफकोर्स, एंड चाबी वापस इसी होल में डालनी पड़ेगी दरवाजे के. इसमें डाली है मैंने चाबी. एंड आई एम बैक टू माय रूम एंड लेट्स लॉक द रूम ऑलवेज. और बाय द वे एक चीज़ बता दूं, मैं जाने से पहले अपना सारा जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है मेरे कंपनी के, जो भी मेरा सामान कीमती था वो मैं सारा इधर उधर करके गई थी, लॉक करके गई थी. क्योंकि कई डेस्टिनेशंस पे, कई जगह पे, मैं किसी एक पर्टिकुलर होटल का नाम नहीं ले रही, सामान कुछ लोगों का चोरी भी हुआ है. कई लोगों के पासपोर्ट चोरी हो जाते हैं. या एक मिनट का इसमें लेट मी पुट दिस फोन समवेयर सो आई कैन टॉक टू यू कंफर्टेबली. क्योंकि मैं स्टिक घर पे छोड़ के गई थी, क्योंकि मुझे था कि कहीं कोई मेरे हाथ से मेरा फ़ोन या मेरा कैमरा लेके भागे ना. लेट मी जस्ट फिक्स इट. हाँ अभी ठीक है. नाउ आई थिंक वी कैन टॉक लाइक प्रॉपरली. लेट मी फिक्स इट. कह रही थी कि मैं अपना सामान जो है कीमती वो लॉक करके गई थी प्रॉपरली. जो ज़्यादा कीमती सामान नहीं है जैसे शूज़ हैं, नॉर्मल कपड़े हैं, वो सब मैं वैसे छोड़ गई थी. बट एल्स जो मेरा पासपोर्ट है या मेरी कंपनी का सामान है या कोई भी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है उसको मैं थोड़ा सा हाइड करके गई थी. वैसे तो ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी कभी मैंने थोड़ी स्टोरीज सुनी है लोगों से कि कभी कभी आई डोंट नो सम डेस्टिनेशंस में कुछ एक लोगों का सामान चोरी हो गया, पासपोर्ट चोरी हो गया या कुछ कीमती सामान चोरी हो गया. तो मैं तो ये बिलीव करती हूँ कि अपनी चीज़ का ध्यान खुद रखो, किसी को चोर मत कहो. तो अपना जो सामान है उसको ढंग से रखना चाहिए. जो भी चीज़ कीमती है उसको थोड़ा सा यू नो बचा के और छुपा के क्यों नहीं रखा जाए. तो मैं अपना सामान संभाल के गई थी. और वैसे भी मैं जो पैसे भी साथ में लेके गई थी बहुत कम लेके गई थी. लेट मी जस्ट पुट दिस स्टिक डाउन. हाँ तो पैसे भी मैं कम लेके गई थी और मैं अपना जो बाकी सामान भी है छुपा के लेके गई थी, ताकि यू नो मेरे पास ऐसा ना हो कि शाइनी सा बैग पकड़ा हो तो आप अट्रैक्ट कर रहे हो चोरों को कि आओ भैया मेरा सामान छीन के ले जाओ. मेरे को आज इतनी स्टोरी सुनने को मिली थी ना जोहान्सबर्ग के बारे में,
तो मैं इतनी एक्साइटमेंट से आ रही थी क्योंकि मैं बहुत सालों के बाद आई हूँ जोहान्सबर्ग में, तो मुझे लग रहा था कि मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, मैं वहां जाऊंगी, मैं यहां जाऊंगी, क्योंकि मैं जैसे काफी टाइम से आप कहीं नहीं जाते हो तो आप इतना बॉदर नहीं करते उस कंट्री के बारे में जानने के लिए, तो मुझे भी नहीं था। तो मैं फ्लाइट पे आई तो मैं लोगों से बात करने लगी, मैंने तो ये करने का प्लान किया है, वो करने का प्लान किया है, यहाँ एक मैंडेला स्क्वायर करके है वहां पे, बहुत ही प्यारा यू नो एक स्टैचू बना हुआ है मैंडेला का, उसके अलावा भी बहुत कुछ है देखने के लिए। लेकिन जब मैंने स्टोरी सुनी और मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी स्टोरीज बता दी कि होटल के बाहर बिल्कुल सिक्योरिटी के सामने ऐसे कोई किसी का बैग लेके भाग गया, चाकू दिखा के, गन दिखा के सारा सामान यू नो निकलवा लिया पॉकेट वगैरह से, तो मैं ये सारी स्टोरीज जैसे जैसे सुनते गई डरती गई। लेकिन नहीं यार, मुझे ऐसा तो कुछ भी नहीं करना जिससे कि यू नो अभी, क्योंकि मैं कंपनी ट्रिप पे हूँ नेचुरली, चाहे अपने पर्सनल ट्रिप पे भी हूँ चाहे मैं, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट, तो सेफ्टी को तो मद्देनजर रखना है, कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे कि कंपनी का नाम खराब हो, मेरा नाम खराब हो, या कोई ऐसा काम हो जाए मेरे साथ जिससे यू नो चोट लग जाए, कुछ हो जाए। सो ऑलवेज बी केयरफुल। सो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस अबाउट टूडे जोहान्सबर्ग डे वन। अभी मैं कुछ घंटे पहले ही आई हूँ, सो दिस इज ऑल आई डिड। मैंने आपको बता दिया कि आज मैं कैसा फील कर रही थी, मैं हांफ रही थी लिटरली जब मैं वहां पे भाग रही थी, क्योंकि आई डोंट वांट टू बी अटैक्ड बाय एनीवन। सो एनीवे, दैट वाज डे वन, एंड लेट्स सी व्हाट डू वी डू टुमारो डे टू इन जोहान्सबर्ग। सो टिल देन गाइज, मैं ममता सचदेवा आप सबसे ले रही हूँ विदा, एंड आई टॉक टू यू सून। जो भी इंटरेस्टिंग, जो भी अच्छा, जो भी बुरा, जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहते हैं, मेरा दिल करता है कि मैं दिल खोल के आप सबके साथ शेयर करूं, क्योंकि यू पीपल ऑल्सो डिजर्व टू नो। घरों में बैठे रहते हो, सिर्फ घर घरेलू की बातें करते हो, जो एक टिपिकल आसपास की बातें होती है, उसके अलावा भी दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं ट्रैवल के बारे में, और जब तक रिस्क नहीं तब तक यू नो जिंदगी में कुछ भी नहीं। थोड़ा सा रिस्क लेना बनता है, निकलना बनता है, एक्सप्लोर करना बनता है, घूमना फिरना बनता है, तो प्लीज थोड़ा घूमना फिरना शुरू कीजिए, जिंदगी को जीना शुरू कीजिए, सिर्फ कमा कमा के रखिए मत। मैंने भी ये जिंदगी में एक बार गलती की है पहले, जिससे मैंने सीखा है। मैं भी बहुत कंजूस थी, पैसे सिर्फ सोचती थी इस काम आ जाएंगे, फैमिली के काम आ जाएंगे, उसके काम आ जाएंगे, तो खुद पे नहीं खर्चती थी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप मेहनत करके कमाते हो तो कुछ चार पैसे अपने पे भी लगाइए, घूमिए फिरिए, यू नो दुनिया एक्सप्लोर कीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इवन आज के एक्सपीरियंस ने भी देखिए मुझे कितना एक अच्छा एक्सपीरियंस दिया है, कैसे निकलना है, अपनी सेफ्टी कैसे कॉन्शियस कैसे रहना है, सेफली अपना सामान स्टोर कैसे करके जाना है, यू नो तो ये सब चीजें भी हमने सीखनी है सबने। सो व्हाई नॉट टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे। या सो ट्रैवल ट्रैवल गाइस, ट्रैवलिंग टीचेस यू अ लॉट। कोई दुनिया का पैसा आपको ये चीज नहीं दे सकता, बिलीव मी, जो चीज आपको ट्रैवल दे सकती है। तो प्लीज स्टार्ट ट्रैवलिंग, घूमिए फिरिए, यू नो एंजॉय कीजिए। सो बाय गाइस फॉर नाउ, मैं ममता सचदेवा फाइनली बाय बोल रही हूं आपको। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो आप कर लीजिए, क्योंकि नहीं तो आप बहुत सारी मेरी अच्छी वीडियोस जो हैं वो मिस कर देंगे, नोटिफिकेशन आपको टाइम पे नहीं जाएगी और वो वीडियो इधर उधर कहीं ना कहीं गुम ही हो जाएगी। सो बाय गाइस, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट, जो इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो, जो आपके विचार हो मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।